हेलो एवरीवन, सो आज मैं जा रही हूँ ताजमहल। और ये ताजमहल के टोकन है जो आपको आउटसाइड 50 रुपीज़ में मिलते हैं। और अभी मैं बाहर की साइड हूँ, बाहर की साइड से थोड़ी दूर पे बस आपको एंट्री गेट मिल जाता है और आप एंट्री कर सकते हैं वहाँ से। और आप तो जानते हैं आगरा की शान है ताजमहल, तो क्यों ना ताजमहल जाया जाए। तो चलते हैं, आज देखते हैं ताजमहल की खूबसूरती। सो यहाँ मेरी सिस्टर मुझे टोकन दे रही थी और मम्मी को भी टोकन दिया उसने। अब ये हमने एंट्री कर ली थी, एंट्री के बाद ये अंदर जाने का रास्ता था, फिर हम आ गए थे मेन गेट की साइड पे। ये एक्चुअली ट्री मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे सनराइज़ हो रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं उसे अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट बहुत ब्यूटीफुल था वो नज़ारा। तो यहाँ मैं मुख्य द्वार की साइड जाती हुई, ये एक्चुअली ये जो गेट है बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे हो रहा था हमारा सनराइज जो बहुत ही खूबसूरत था। सनराइज को कैप्चर करते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आपको खुद को भी कैप्चर करूं साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैंने सेल्फी मोड पर अपने कैमरा को किया और फिर मैं चलने लगी इस दरवाजे के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे हवा काफ़ी चल रही थी जिससे कि मेरे बाल काफ़ी मैसी हो गए थे। यहाँ पे दो फॉरनर्स अपनी फ़ोटोग्राफी करा रहे थे गाइड के थ्रू। और उसके बाद हमें ये खूबसूरत नज़ारा दिखेगा, यहाँ से हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ताजमहल को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट था, इवन ये मॉर्निंग टाइम था, आई थिंक 6:30 और 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग हम लोग गए थे वहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी क्राउड था इस टाइम पे भी, बट फिर भी हमने कुछ ना कुछ तो कैप्चर कर ही लिया। तो मैंने सोचा कि उन्हें सेल्फी मोड पर अपना रख के यहाँ पे कैमरा, तो मैं थोड़ा सा अपना रील वील बनाने के लिए रेडी हो जाऊँ। बट यहाँ पे गार्ड था, उसने मना करा कि आप वीडियो नहीं ले सकते, बट फिर भी छुप छुप के हम लोग तो वीडियो ले ही रहे थे। बट यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, आप फोटोग्राफ करा सकते हो बट आप वीडियो नहीं बना सकते। पता नहीं किस कारणवश यहाँ पे वीडियो बनाना मना कर दिया गया है अब, लेकिन फिर भी चोरी छुपे लोग तो वीडियो बना ही लेते हैं, जैसे कि हम अभी बना रहे हैं अपनी खुद की वीडियोज़। तो यहाँ से हम मेन थोड़ा आगे बढ़े मेन गुंबद की ओर, और यहाँ से धीरे धीरे काफ़ी क्राउड था तो धीरे धीरे लोग जा रहे थे, हमने भी मतलब ऊपर गए। और मेन यहाँ पे फ़ोटोग्राफी का एक पॉइंट है जहाँ पे इस टाइम पे अभी मैं हूँ, वहाँ पे जब आप फ़ोटोग्राफी करते हो तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अच्छे आते हैं। तो इसलिए भी यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा था, क्योंकि सब के सब लोग अपनी फ़ोटोग्राफी करा रहे थे। सो हम भी ऊपर की साइड गए और मैंने भी थोड़ा बहुत फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी छुप छुप के करा ली। देखो पीछे भी हमारे कौन है। तो ये सब चेक करते रहते हैं कि आप वीडियोग्राफी तो नहीं कर रहे हो, और अगर आप पकड़े जाते हो वीडियोग्राफी करते हुए तो ये आपका फ़ोन लेंगे और डिलीट मार देंगे उस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी करना सख्त मना है।
सो यहाँ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पे एक सीन हो गया क्रिएट। ये लड़का और लड़की बहुत ज़्यादा ही वाहियात कमेंट करने लगे मेरी सिस्टर पे, और यहाँ पे उनका थोड़ा सा बहस होने लगा जो कि मैंने कैप्चर कर लिया। यहाँ पहुँचने के बाद आपको एक और टिकट लेना होता है ऊपर जाने के लिए, जो कि 200 रुपीस का है, और ये टिकट ले चुकी थी मैं और आ रही थी अपनी सिस्टर और मम्मी के पास ऊपर जाने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। सो ये हम जा रहे थे आगे की ओर, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आपको शू कवर्स भी पहनना पड़ता है यहाँ पे, जो सिर्फ मात्र 10 रुपीज़ में आते हैं। सो यहाँ पे दो कलर होते हैं, ब्लू एंड वाइट, सो हमने वाइट लिए थे। शू कवर इसलिए पहनाते हैं क्योंकि वो मार्बल है, और मार्बल गंदा होगा अगर आप जो भी शूज़ पहने। तो ये अब हम जा रहे थे अंदर की साइड, यहाँ सामने स्टेयर्स थी जो आपको दिख रहा होगा, उससे हम ऊपर की साइड आ गए थे, और यहाँ का नज़ारा तो वाव था गाइस, क्योंकि यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी। यहाँ पे हमने छुप छुप के थोड़े से वीडियोस बना लिए। ये यमुना है इसके बैक साइड पे, जिस पे अभी आई थिंक पानी थोड़ा कम है, वैसे मोस्टली तो यहाँ का पानी कम ही रहता है। और गाइस मैं एक बात और जानना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसी जगहों पे जाके एक्सप्लोर करूँ और आपको बड़े व्लॉग्स में दिखाऊं सब कुछ, बताऊं सब कुछ? अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, जिससे कि मुझे पता चलेगा और मैं आके और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। फिर यहाँ पे मैं बैठी, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल फ़ोन वाटर बॉटल पे सेट किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया अच्छा, क्योंकि मेरे बाल मुझे बार बार परेशान कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हवा ही इतनी तेज़ चल रही थी कि आप क्या ही करोगे गाइस। पर कुछ ना कुछ तो बनाना ही था, सो चलो यही सही, उड़ने दो मेरी जुल्फों को। Thank you.
Hey guys, if you visit to Agra, please visit to Taj Mahal too. Because एक बार आना तो बनता है. Maybe I think 9 या 10 years बाद आई हूँ यहाँ. Last time मैं अपनी family के साथ आई थी. खैर अभी भी मैं अपनी family के साथ ही आई हूँ. यहाँ आप देख सकते हैं मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी मना है, पर थमिए, थोड़ा सा थमिए गाइस, क्योंकि हमने मुख्य मकबरे के अंदर भी वीडियोग्राफी करी, फोटोग्राफी तो छोड़िए. तो ये गेट है अंदर जाने के लिए. सो इस दरवाजे से हम लोग अंदर की साइड अभी थोड़ी ही देर में जाएंगे और मुख्य मकबरे आप देखिए जहाँ पे शाहजहाँ और मुमताज़ की ग्रेव है, उधर वीडियोग्राफी बना है. लेकिन उधर भी हमने थोड़ा बहुत वीडियोग्राफी करी है. ये आपको पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, इसके अंदर से ही जाते हैं. तो सो ये है मुख्य मकबरे का नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत है. इसके बाद आप अंदर से और जगह पे जा सकते हैं, दूसरी साइड पे आप एग्ज़िट कर सकते हैं यहाँ से जाके. ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी शांत रहता है. ताजमहल का टूर हो गया कंप्लीट. अब हम जा रहे हैं नीचे की साइड जहाँ पे हम अपने शू कवर्स को उतारेंगे और फिर चल देंगे बाहर की ओर. सनराइज तो आप देख ही रहे हैं. खैर गर्मी हो चुकी थी, आई थिंक 8:30 का टाइम था, काफ़ी गर्मी होने स्टार्ट हो गई थी. तो मम्मी ने बोला चलो बच्चों घर चलते हैं, वरना ऐसा ना हो कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए तो हमें घर जाना पड़ा. और अब हम ये बाहर की साइड जा रहे हैं लास्ट एंड में ताजमहल को देखते हुए. चीकू के पेड़ थे, ये गाइस चीकू के पेड़ है. मैंने अपनी सिस्टर से बोला क्या मैं चीकू तोड़ सकती हूँ, उसने बोला बेटा थमो जरा ये देखो बोर्ड पे क्या लिखा है, तोड़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर फाइन देना पड़ेगा ना, तो भागना मत.
सो फाइनली हम एग्जिट गेट की ओर जाते हुए, गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी या।